भारतीय चयनकर्ताओं ने विराट कोहली को वनडे की कप्तानी से हटा दिया है। T20 की कप्तानी वह पहले ही छोड़ चुके हैं, अब वह सिर्फ टेस्ट टीम के कप्तान हैं। इसको लेकर BCCI और विराट कोहली के बीच काफ़ी विवाद देखने को मिल रहा है। अब 1983 में विश्व कप विजेता टीम के खिलाड़ी रहे पूर्व ऑलराउंडर कीर्ति आज़ाद ने ऐसा बयान दिया है जो चयनकर्ताओं और BCCI को अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने न्यूज़ 18 को दिए एक इंटरव्यू में कहा, मैं ये नहीं कहना चाहता था लेकिन मुझे ये कहना पड़ रहा है। मैं चयनकर्ताओं का अपमान नहीं करना चाहता, वो अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन आप उनके कुल मैच देखें तो विराट ने जितना खेला है उसका आधा भी नहीं है। आज़ाद ने कहा, अगर आप किसी भी फॉर्मेट के कप्तान को बदलते हैं आपको BCCI अध्यक्ष को बताना होता है। अगर गांगुली को इसके बारे में पता था तो वह अनौपचारिक रूप से ही विराट से बात कर सकते थे। मुझे लगता है कि विराट नाराज नहीं है, लेकिन जिस तरह से उन्हें कप्तानी पद से हटाया गया है उससे वह जरूर आहत हुए होंगे। बता दें कि चेतन शर्मा भारत के मुख्य चयनकर्ता हैं। उन्होंने भारत के लिए 23 टेस्ट और 65 वनडे मुकाबले खेले हैं। चयन समिति के सदस्य देवाशीष मोहंती ने भारत के लिए 2 टेस्ट और 45 वनडे मैच खेले हैं। वहीं अभय कुरुविला ने 10 टेस्ट और 25 वनडे में टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व किया है। आप विराट कोहली को कप्तानी से हटाए जाने के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। क्या उन्हें अभी भी वनडे टीम और T20 टीम का कप्तान बने रहना चाहिए था, या फिर उनका हटना और रोहित शर्मा का कप्तान बनना ही भारतीय टीम के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। आप देख रहे हैं पाई बॉन्ड न्यूज़।